हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नरवार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर कल यानी कि 3 सितंबर को रियलमी अपने रियलमी 7 सीरीज को लॉन्च करने जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे में Xiaomi कहां पीछे रह सकती है। Xiaomi ने भी अपनी Redmi Note 10 सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जिसमें कि आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन के बारे में और साथ ही इस फोन की फुल एक्सपेक्टेड स्पेक्स, प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो इसके अंदर आपको ग्लास का बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा और इसी के साथ इस फोन के अंदर आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर होगा 64 मेगापिक्सल का, जिसमें सोनी का IMX686 का सेंसर यूज किया गया है और इसी के साथ 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो इस फोन के अंदर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एक सुपर एमुलेट का डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा, जिस पर आपको 32 मेगापिक्सल का एक सिंगल पंचल कटआउट देखने को मिलने वाला है और इसी के साथ इस फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और 90 हर्ट्ज का रेफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है और इस फोन के अंदर आपको डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है। वहीं पर दोस्तों, अगर बात की जाए इस फोन की बैटरी के बारे में तो इसके अंदर आपको 5500 mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि 33 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाली है और इस फोन के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट एंड 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि एक पावरफुल चिपसेट है और ये चिपसेट 5G कनेक्टिविटी के साथ ही 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगी और इस फोन के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि MIUI 11 पर रन करेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस फोन के रैम वेरिएंट के बारे में। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन 3 रैम वेरिएंट के साथ लॉन्च होगा, 6GB 64GB 6GB 128GB एंड 8GB 128GB। तो चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इस फोन का बेस ब्रांड आपको ₹20,000 की प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ₹20,000 की प्राइसिंग में यही फीचर्स देखने को मिले तो ये स्मार्टफोन Realme 7 Pro को डेफिनेटली बीट कर देगा। और दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको डिस्प्ले, कैमराज, बैटरी और परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है और दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 15 सितंबर से पहले लॉन्च हो सकता है। तो आई होप दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी, सो प्लीज़ आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, कीप सपोर्टिंग।